हेलो हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। बेनिशन है नहीं, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। तो यहाँ पे हम निकल चुके थे तारिक रोड के लिए, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर को अपनी ब्राइड ड्रेस चाहिए था, उनको अपनी बारात के लिए लहंगा चोली, जो कि हमने काफ़ी सारी ऑनलाइन शॉप्स पे देखा। तो हम लोग को हमने सोचा कि चलो वहाँ जाके विज़िट करते हैं। तो छोटी सिस्टर जो है वो हम लोग साथ जा रहे थे, और यहाँ पे आपके बैनी साहब देखे कितने खुश थे माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा वो इन्जॉय कर रहे थे। और यहाँ से हम लोग निकल चुके थे घर के पास से, थोड़ा सा आगे गए थे, तो मैंने रिकॉर्डिंग जो थी वो शुरू कर दी। और मुझे वॉइस ओवर इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि मैं घर से वीडियो बना के नहीं चल सकी थी, क्योंकि घर के भी कुछ काम थे। मुझे बैनी को भी आपको पता देखना होता है, और फिर जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को मैनेज करके, तो मैं जो हूँ यहाँ से हम लोग जो थे वो निकले। तो फिर मैंने वहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। और यहाँ पे आपके बहनी साहब देखे पेट्रोल पंप पे गाड़ी रुकी थी, और बहनी साहब तो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनको वहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, कि वो गाड़ी में आगे अपने फ्रेंड के साथ फ्रंट पे बैठते अपने मामों के साथ के इंजॉय कर रहे थे सारी जो बाहर का व्यू था। तो यहाँ पर जो थी मैं भी रिकॉर्डिंग कर रही थी, मैंने बोला चलो साथ साथ थोड़ी थोड़ी करती हूँ रहती हूँ रिकॉर्डिंग, ताकि आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँ। यहाँ पे सनसेट हुआ रहा था, और कोशिश यही थी कि आप लोगों को सनसेट होते हुए दिखाएं हम लोग। तो हम लोग जब पुल से नीचे उतर गए तो वो गुजर गया था, और उसके बाद वो दोबारा हमें नज़र नहीं आया कहीं पर भी। तो हम लोग यही था हम लोगों कि आप लोग मतलब रिकॉर्ड करें तो अच्छा लगता कि आप लोगों के साथ ये चीज़ भी शेयर करते। और यहाँ से हम लोग गुजर रहे थे हैदरी मार्केट के पास से हम गुज़र गए थे। तो यहाँ पे हम लोग पुल पे जो था वहाँ पे गाड़ी वाले ने पुल की तरफ से गाड़ी को लेके जाना था, तो खैर इसी रास्ते से वो लेके जा रहा था, ताकि हम लोग भी परेशान ना हो और लंबा सफ़र भी ना पड़े, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत हो चुका था, 6 बज चुके थे। तो हम लोग को घर में भी सो काम होते, फिर वो भी करने में कुछ समेटा समाटी में भी टाइम लग गया, फिर आपको पता है कपड़े प्रेस करो, फिर ये करो वो करो, सारी चीज़ों में बड़ी मुश्किल हो जाती है। और उस तरफ तो ट्रैफिक भी थी। यहाँ पे हम पहुँचे थे तारिक रोड, और तारिक रोड जब हम पहुँचे तो ये सारा वहाँ का हम लोग आपको वहाँ के बिजी रोड वगैरह जो थे वो सारा दिखा रहे थे, और शॉप्स वगैरह हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हुए जा रहे थे। तो खैर हम लोग जब शॉप वगैरह पे जा रहे थे, तो उन लोगों ने वो लोग तो वीडियो अलाउ नहीं कर रहे थे, तो वहाँ की वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही। बाकी ये है कि मैं आप लोगों को यहाँ तक दिखा रही थी कि यहाँ हम लोग डॉलमेन मॉल वहाँ पे पहुँचे थे, और इसके साथ में ही बराबर में ही कुछ शॉप्स थी जहाँ से हम लोग को सिस्टर के लिए वो लहंगा चोली जो भी है वो सारी ड्रेस वगैरह वहाँ से हम लोगों को विज़िट करना था, देखना था कि रियल में भी वो ऐसा ही है या नहीं। तो हम लोग जो थे वहाँ पर पहुँचे, और यहाँ पर हम लोग डॉलमेन मॉल में फिर अंदर आ गए, क्योंकि बाहर से तो एक ये भी डर था कि फ़ोन स्नैच ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है स्नैचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि मेन रोड पे तो हम लोग नहीं कर सकते ना। इसे डॉलमेन मॉल में आ गए हम लोग, तो डॉलमेन मॉल से फिर मैंने रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। तो यहाँ पर हम लोग सारी शॉप्स वगैरह देख रहे थे अच्छी, मतलब कि शूज़ वगैरह, जूतियाँ वगैरह, सैंडल वगैरह, सब अच्छी कलेक्शन थी। तो यहाँ पर हम लोग और भी चीज़ों को देख रहे थे कि कहाँ से अगर हम लोगों को कुछ शॉप करनी है, कुछ भी चीज़ें हमको लेनी है, तो हम जो है वो कहाँ से बाय करें ना। तो यहाँ पर फिर हम लोग ईगो पहुँचे, तो ईगो से भी जो चीज़ मेरी छोटी सिस्टर को पसंद आई तो उन्होंने वो बाय की अपने लिए। और यहाँ पर बहनी साहब सो चुके थे, तो हम लोग ऊपर फूड कोर्ट पे, मैं थक भी बहुत गई थी, तो भाई ने मुझे बोला कि आप इधर बैठ जाओ ना बैनी को लेके। तो हम लोग बैठ गए, और मैं आप लोगों के साथ तो सारी चीज़ जो थी वो शेयर कर रही थी कि बैनी साहब सो रहे हैं। और यहाँ पे फूड कोर्ट गए तो ये कुछ खाने के लिए लेने चले गए। फिर हम लोगों को गोलगप्पे पसंद आए, वहाँ मोस्टली पसंद हैं जो सिस्टर है वो खाते हैं। यहाँ पर खाना आ गया था, तो हम लोग जो है वो खाना जो था वो हम लोग खाने लग गए। और फिर जो है यहाँ से कुछ कॉफ़ी वगैरह या चाय वगैरह का मूड हो रहा था, तो वो हम लोगों ने वहाँ से बाय किया। और जो है गोलगप्पे हमने एक दफ़ा नहीं, दो दो दफ़ा हम लोगों ने वहाँ के खाए, क्योंकि छोटी सिस्टर बहुत शौक है, मुझे भी शौक है, लेकिन मैं बहनी की वजह से ज़्यादा खट्टा नहीं खा सकती। खैर मैंने भी थोड़ा टेस्ट किया। सो मेरी यहाँ तक की वीडियो है, तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को कमेंट्स कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। मज़ीद आपके साथ सारी अपडेट्स, सारी वीडियोस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।